इन दिनों बिहार पुलिस को अपराधियों से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी गोलियों की तड़तड़ाहट से लहूलुहान बेगूसराय का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि भागलपुर में अपराधियों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम देकर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बिहार में लगातार होती अप्रिय घटनाओं से पुलिस प्रशासन कटघरे में आ गई है। विपक्ष इसे जंगल राज पार्ट 2 करार दे चुका है। ताजा मामला भागलपुर का है, जहां सिल्क कपड़ा कारोबारी मोहम्मद अफजल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। 4 गोलियां लगने से कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि ये घटना तब हुई जब कारोबारी अपने दुकान बंद कर घर जा रहा था। पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि वारदात के वक्त अपराधियों ने ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल किया था। बिहार में लगातार हत्याओं के बाद दहशत का माहौल है। भागलपुर में गोलीबारी की घटना के बाद से आसपास के दुकानदारों ने दुकान बंद करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सिल्क कारोबारी बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के करीबी हैं। वहीं बेगूसराय में चली गोलियों के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। मामले की गंभीरता के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार ने बैठक कर बिहार में पुलिस विभाग और गृह विभाग को कानून व्यवस्था ठीक रखने का निर्देश दिया है। सीएम ने इस घटना के पीछे साजिश की बात भी कही है। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। बेगूसराय की घटना घटने के बारे में जो जानकारी मिली है, तत्काल मैंने ही कहा था कि इसको देखिए कि किस तरह से कहां पर हुआ है, ये भी पता चला है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई करने वाला जानबूझ करके ही धंधा किया है। क्या उद्देश्य? एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं, और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई ना कोई धंधा जरूर किया, और हमने कहा है कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। गौरतलब है कि बेगूसराय में हाईवे पर बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने करीब 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस मामले में एक युवक की मौत हो गई जबकि 8 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी फायरिंग करने के बाद पिस्टल लहराते हुए समस्तीपुर की ओर फरार हो गए थे। बदमाशों की तस्वीर वायरल होने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।